तो ये है मारुति सुजुकी की अर्टिगा, वो भी ZXi CNG वेरिएंट। समझ लो कि टॉप मॉडल से एक नंबर खाली कम है, ZXi प्लस आता है और ये है ZXi, तो टॉप मॉडल आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें एलॉय आपको मिल जाती है। ये देखिए आप, मैकुल जो है वो डायमंड कट में रहने वाली है, और क्या क्या फीचर मिलता है ZXi में। और ये ZXi जो है CNG है, और ये ZXi नॉर्मल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये CNG आपका नहीं रहेगा, ये ZXi है, ये इस तरह से रहेगी, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है दोस्तों, सेम टू सेम दोनों मॉडल आपका मिल जाने वाला है। तो इसमें आपका मिलता है सबसे पहले फ्रंट पर, तो इसके अंदर आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, ये देखिए आप, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प रहेगा और बल्ब भी रहेगा, डबल ऑप्शन दिया गया है इसके हेडलाइट में। और ये आपका क्रोम वर्क मिलेगा, इंडिकेटर, लेकिन आपको ZXi में भी ब्लिंकर जो है वो बल्ब वाले मिलते हैं। यहाँ पर आपका फॉग लैंप भी मिल जाएगा, क्योंकि ZXi टॉप मॉडल बनता है, तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी मिलेगा। ये आपका क्रोम वर्क मिल जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट्स लगाए गए हैं। ये आपका मैट ब्लैक फिनिशिंग रहने वाला है, और साइड से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये आपको हेडलाइट मिल जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो फिटिंग एंड फिनिशिंग है ये मारुति सुजुकी में काफ़ी बेहतर रहता है दोस्तों। और उसके बाद ऊपर आपको एंटीना इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पर आपका वाइपर और वाशर मिल जाएगा दो, और ग्लास आपका सामने का इस तरह से रहेगा। और यहाँ पर आपका इसकी बैजिंग है क्रोम फिनिशिंग के साथ, ये आपका क्रोम पियानो ब्लैक रहेगा, यानी कि डुअल टोन फिनिशिंग के साथ सामने का ग्रिल मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपका क्रोम दिया गया है, और ये जो क्रोम है ये कंपनी फिटेड है, अगर कंपनी वाला लेते हैं आप ना, तो इसका जो कलर है वो नहीं जाने वाला होता है, जाता नहीं है, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा। सामने का आप देख सकते हैं बम्पर इस तरह से दिया गया है, जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ व्हाइट कलर रहेगा, ये आप देखते हैं। लेकिन हाँ, इसका जो लुक है एक नंबर का, ये शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू डिज़ाइन पर मिलता है। यहाँ पर भी आपका फॉग लैंप दिया गया है, ये आप देख सकते हैं पूरा साइड प्रोफाइल क्रोम के साथ है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ बल्ब है, ये पूरा लुक इस तरह से आने वाला है। तो भाई ZXi आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से रहेगा, और इसकी जो व्हील है ZXi में एस की बैजिंग है, और यहाँ पर मैकुल जो है डायमंड कट में रहने वाली है, और डिस्क ब्रेक आपको आगे मिल जा रहा है सामने, तो ABS EBD के साथ रहेगा, ठीक है। और एलॉय जो है वो 15 इंच की दी गई है, और 185x65 का टायर है, 15 इंच का एलॉय इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो डायमंड कट में रहेगा काफ़ी अच्छे से। में मड फ्लैप भी यहाँ पर दिया गया है वाइट में, सामने भी यहाँ पर दिया गया है इस तरह से आप देख सकते हैं। अब साइड प्रोफाइल इस तरह से रहेगा गाड़ी का। ORVM जो है वो आपको बॉडी कलर पर मिलेगा, LED इंडिकेटर के साथ है, और यहाँ पर डोर वाइजर पूरी गाड़ी में आपको मिल जाएगा। CNG वाला है, तो माइलेज कितना देगी आप इस वीडियो में देखेंगे, और ये माइलेज का किंग है भाई, सबसे तगड़ा माइलेज देगी ये गाड़ी। यहाँ पर भी आपको ORVM पे LED वाले इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, और इसके जो डोर है ना हैंडल के, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, ये आपका क्रोम रहेगा, ये देखिए क्रोम फिनिशिंग के साथ रहेगा, देख लो एकदम ज़बरदस्त डोर वाइजर आपको पूरा इस तरह से मिल जाएगा। ये जो पिलर है इसके, ये आपका ब्लैक रहेगा, ये भी आपका ब्लैक रहेगा, यहाँ पर भी आपको ब्लैक मिल जाता है इस तरह से। और पीछे आपका जो मिलता है वो आपका ड्रम रहेगा, ZXi में भी मारुति सुजुकी में आपको भाई ZXi ये वेरिएंट में आपको ड्रम मिल रहा है। मैकुल आपको चारों डायमंड कट में रहेंगे, और रियर प्रोफाइल चलिए देखते हैं। यहाँ पर ब्लिंकर्स आपको ये देखिए बल्ब वाले, और यहाँ पर ये रिवर्स लाइट है, आपका ब्रेक लाइट आपको मिल जाती है, ये पूरा इस तरह से रेड रहेगा। यहाँ पर देखिए ये आपका क्रोम वर्क पूरा मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एस की बैजिंग मिल जाएगी इस तरह से। तो डिफॉगर, वाइपर, वाशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और स्पॉयलर सब मिलेगा। यहाँ पर CNG की बैजिंग है, और ये देखिए यहाँ पर आपका अर्टिगा लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको पूरा क्रोम वर्क देखने को मिलता है, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिया गया है, और रिफ्लेक्टर भी, तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो 7 सीटर की सबसे बढ़िया कार यहाँ पर आपको मिल जाती है, देखिए ज़बरदस्त भाई। और ये रहा इसका फ्यूल टैंक, जो कि साइड पे आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड पे, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपको मिलता है 45 लीटर, यानी 45 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी में। और CNG की बात करेंगे तो CNG भी यहाँ पर 60 लीटर का मिलता है। और चलिए अब आपको बूट स्पेस पीछे दिखा देते हैं, तो इस तरह से खुलेगा। तो बूट स्पेस भाई, ये CNG यहाँ पर लगाया गया, ठीक है, और ये सीट फोल्ड किया गया है, तो स्पेस आप देख सकते हैं इतना सारा रहेगा। यहाँ पर होल्डर दिया गया है, एक्सेसरीज में आता है, ये देख लीजिए यहाँ पर आपका ये होल्डर भी दिया गया है, इस तरह से देख सकते हो आप, पूरा सेटअप रहेगा। 12 वोल्ट की सॉकेट भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। और ये रहा इसका इंटीरियर, देखो आपको रूफ में भी AC मिलेगा, हेडरेस्ट यहाँ पर, आर्मरेस्ट, और इंटीरियर देखोगे ना तो भाई बिल्कुल BMW जैसा फीलिंग मिलने वाला है, लग्जरी कार, लग्जरी वाला फीलिंग मिलेगा आपको भी, आपको दिखा रहे हैं अंदर, ठीक है। चलिए इसको बंद कर देते हैं इस तरह से, और अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखो, देखो लग्जरी वाला फीलिंग आपको मिलने वाला इसमें, देख रहे हो यहाँ पर, देखो रूफ में बढ़िया AC, उसके कंट्रोल भी, और यहाँ पर भी देखो लाइट दिया गया, हैंडल सारा आपको मिल जाएगा।
ये देखिए आर्मरेस्ट इसमें मिल रहा है, देख रहे हो एकदम बढ़िया आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हेडरेस्ट मिलेगा, सीट देख रहे हो एकदम लेदर फिनिशिंग के साथ, डुअल टोन फिनिशिंग, स्पेस इतना तगड़ा इसमें मिल जा रहा है, ये देखिए स्पेस। और अगर पीछे किसी को बिठाना है तो ये सीट आप जो है आगे करके पीछे से निकाल सकते हैं उसको, ये आप सीट देख सकते हैं, सीट बेल्ट भी रहेगा। तो स्पेस इतना ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मिल रहा है इस गाड़ी में। ये देखिए स्पीकर आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं, चार स्पीकर, बोतल का स्पेस यहाँ पर भी स्पेस, यहाँ पर देखो हैंडल, ये आप फिनिशिंग देख सकते हैं, चारों पावर विंडो, डोर का लीवर इस तरह से, और ये आर्मरेस्ट जैसा यहाँ पर लुक मिल जाता है। तो मजबूती भी आपको एकदम बढ़िया ठीक ठाक मिल जाएगी इस गाड़ी में, स्पेस आपके सामने है। 12 बोल्ट की साकेट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर भी आर्मरेस्ट मिलेगा, पीछे का लुक इस तरह से पूरी गाड़ी में आने वाला है। तो चलिए अब आपको फ्रंट दिखाते हैं। तो डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर, और ये देखिए यहाँ पर आपका पुश बटन स्टार्ट, फ्यूल से सीएनजी कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टर, ये वुडन फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर वुडन फिनिशिंग मिलेगा, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन फिनिशिंग, ये आपका हैंडल का डूअर, वार भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बोटर रखने के बाद यहाँ पर इतना बढ़िया स्पेस, स्पीकर देख सकते हैं, और यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट रहेगा ZXi में, और यहाँ पर देखो लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, और यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट कंट्रोल स्टेयरिंग पे आपको मिल जाएगा, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, और ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जो कि 8 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिल जाता है इस गाड़ी में, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे ही ऑन होगा इग्निशन इस तरह से ये काम करेगा, बीच में MID दोनों साइड पर आपका एनालॉग कंसोल मिल जाता है इस गाड़ी में, ये देखिए आप यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से पूरा रहेगा कंसोल देख रहे हैं। और ये रहा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 7 इंच है या 8 इंच है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर ये हैजर्ड बटन भी आपका दिया गया है, और यहाँ पर ये आपका एसी रहेगा, वो भी ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट दिया गया है। 12 बोल्ट साकिट है, ये रही इसकी की, चाबी इस तरह से मिल जाती है। और यहाँ पर सबसे खासियत क्या है पता है, यहाँ पर भी देखो एसी बेंट दिया गया है, अगर आप कोई बोतल या वगैरह कुछ रखते हैं ठंडा रखेगा आपका, देखो एसी बेंट दिया गया है, हीटर का भी काम करेगा, नहीं दोनों चीज़ आप गर्म करना चाहे गर्म हो जाएगा, ठंडा करना चाहे ठंडा। 12 वोल्ट सॉकेट USB यहाँ पर आपका दिया गया है, और ये देखिए ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट रहेगा, ये डिस्प्ले आपका इस तरह से रहेगा, पूरा एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये वुडन फिनिशिंग यहाँ पर, ग्लोव बॉक्स इस तरह से मिल जाता है ये देखिए। और सीट आप देख सकते हैं, ये आपका 5 गियर मैनुअल गियर लीवर आपका दिया गया है, फिनिशिंग देख सकते हैं, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए इतना बड़ा हो जाएगा बस। स्टीयरिंग पे आपको कॉल मिस कॉल, ये वॉइस असिस्ट का सिस्टम, इसकी बैजिंग ये आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से, एयरबैग या डी कट में स्टीयरिंग आपको मिल जाती है ये देखिए। और यहाँ पर आपका मिल जाएगा पूरा सिस्टम कंट्रोल करने का, एसी बेंड भी आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा डैशबोर्ड रहेगा ये देखिए। और यहाँ पर जो है आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का सिस्टम मिल जाता है ये देखिए आप, ठीक है पूरा सेटअप यहाँ पर दिया गया। तो स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा इस गाड़ी में, ऊपर यहाँ पर आपको लाइट मिल जाएगी, इधर भी आपको रूफ में एसी रहेगी, यहाँ पर सन प्रोटेक्शन भी दिया गया है, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, इसमें मिरर भी दिया गया है, ये IRVM आपका रहेगा। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो इंजन आपको किस तरह से मिलता है इस गाड़ी में, ठीक है। अभी जो इंजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सेकंड हैंड कार का ट्रू वैल्यू कार का काम चल रहा है, तो बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो अंदर ही हम आपको बता देते हैं ताकि नॉइज़ कम आए, ठीक है। तो अभी नॉइज़ की कम आ रहा होगा, देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसके अंदर जो इंजन आपको मिलता है वो दिया गया है दोस्तों K15C यानी K15C टाइप का, 1462 CC का, मैक्सिमम जो पावर है CNG में वो 64.6 किलोवाट रहेगा 55 RPM पर, और मैक्सिमम जो टार्क है वो 121.5 Nm का है 4200 CNG मोड पर। पेट्रोल पे अगर आप करेंगे भाई तो 136 Nm का टार्क जनरेट करती है, काफ़ी अच्छा पेट्रोल, 45 लीटर, CNG 60 लीटर, और इसके अंदर आपको 5 MT यानी कि 5 गियर वाली है। माइलेज की अगर हम बात करें तो देखो CNG में कंपनी क्लेम कर रहे 26.11 का, समझ लो 26-27 का माइलेज ये आराम से गाड़ी देने वाली है, पेट्रोल पर 20-21 का माइलेज ये गाड़ी देगी। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें इस वाले वेरियंट की ZXi की, तो 13,34,000 इसकी ऑन रोड कीमत है ZXi की, और अगर आप LXi बेस वेरियंट लेते हैं उसकी कीमत आपको पड़ेगी 9,72,000 रुपये में, आप ले सकते हैं 7 सीटर कार 10 लाख से भी कम प्राइस में, और VXi लेंगे हाइब्रिड वाला तो 10,97,000 रुपये में ऑन रोड प्राइस में पड़ जाएगी, कटारिया ऑटोमोबाइल्स नवसारी गुजरात में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।